यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली चीज मौजूद थी बहुत बहुत समय पहले। पृथ्वी आज भी उसके प्रभाव से समृद्ध है। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग्य राघाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यहां ये करने वाला मैं पहला नहीं हूं। खैर माफ कीजिए, यहां तीन चक्र हैं। एक नाभि चक्र है, दूसरे दो मूलधार और स्वाधिष्ठान के सहायक चक्र हैं। ये इसे करने का एक शानदार तरीका है। हमने भैरवी का सृजन इसी तरह किया है, पर एक ही रूप के अंदर। यहां इसे उन्होंने एक मंदिर की तरह बनाया है। दक्षिण भारत में इस तरह के स्थान हैं, पर इतने भव्य नहीं हैं। लेकिन मंदिरों की ऊर्जा संरचना ऐसी ही है जहां आप चक्र बनाते हैं। अगर आपको तीनों या सभी सात चक्रों का समग्र रूप बनाना हो तो ये काफी बड़ी चुनौती होती है, पर ऐसे अलग अलग स्थापित करना काफी आसान है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने जो भी यहां आए थे वो एक खास तरह के थे। मैं सोच रहा हूं पहाड़ पर एक छोटी सी चीज रही होगी। ये संभव है अगर वो इसमें इस तरह से प्रवेश करते हैं, वरना उन्होंने यहां एक छत बनाई होगी और फिर छत के ऊपर कुछ बनाया होगा जिसमें लोग नहीं जाते। ये आठवां आयाम है। अगर आप आठवां आयाम स्थापित करते हैं तो ये एक संपूर्ण प्रक्रिया की तरह है। शायद ये या तो इन स्तंभों में है या पहाड़ के ठीक ऊपर।